आज अपन देखते हैं क्या ऐसा का, ठीक है, प्लांट का वर्गीकरण कि कैसे प्लांट का वर्गीकरण हुआ, कौन से से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से नहीं बनते, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, अपन पूरे के पूरे इसमें अपन कवर करते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन ऐसे क्या आंसर की प्लांट का वर्गीकरण। ठीक है, कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो आपका पादप है उसका वर्गीकरण जो है आपका कितने भागों में किया गया है। ठीक है, अब बात करोगे कितने भागों की बात करें तो आप बताओगे कि यहाँ से कितने भागों में आप ऐसे दो प्रकार से, इसको कितने प्रकार से बताओगे, दो प्रकार से। अब दो प्रकार में कौन कौन से मन प्रकार की बात करो तो एक बताओगे ऐसे क्रिप्टोगैमस, कौन सा बताओगे, क्रिप्टोगैमस, और उसी के बाद सेम इसी के दूसरा बताओगे ऐसे आपका फेनरोगैमस, कौन सा बताओगे, फेनोरोगैमस, फेनोरोगैमस। क्लियर है, क्रिप्टोगैमस सर कौन सा बताओगे, फेनोरोगैमस। अब बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसको अपुष्पोद, क्या बोलते हैं इसको, अपुष्पोद भी, और इसको बोलते हैं आपका पुष्पोद भी। किसको हिंदी में क्या कहते हैं तो आप बताओगे इसको बोलते हैं अपुष्पोद भी, और इसको बोलते हैं आपका ऐसे पुष्पोद भी। अपुष्पोद भी का मतलब यहाँ पे ये वो टर्म्स है आपका कि जिसमें पुष्प, ठीक है, पुष्प मतलब फूल नहीं होते, क्या होते बताओगे, नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं अपुष्पोद। और जिनमें आपके पुष्प होते हैं, ठीक है, बीज हो गए, ठीक है, फल हो गए, उन्हें क्या कहते हैं तो बता दीजिएगा आपका, ठीक है, पुष्पोद भी। तो ये हो गया क्या आपका फेनोमेन। अब बात करूं मैं यहाँ से आपके किसकी, ठीक है, किसकी, क्रिप्टोगैमस। तो क्रिप्टोगैमस को आपके तीन प्रकार से, कितने प्रकार से उसको बांटा गया है, तीन प्रकार से। पहला बताओगे थेलोफाइटा, कौन सा फाइटा बताओगे, थेलोफाइटा। दूसरा बताओगे आपका ब्रायोफाइटा, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर, ये हो गया आपका ऐसा सेकंड नंबर, और ये हो गया क्या आपका थर्ड नंबर। कि दूसरा बताओगे ब्रायोफाइटा, कौन सा बताओगे, ब्रायोफाइटा। तीसरा क्या बताओगे, टेरिडोफाइटा, कौन सा फाइटा बताओगे, टेरिडोफाइटा। अब इसमें मैं बात करूं ऐसे कि टेरिडो ब्रायोफाइटा होता है यहाँ से आपका, ये जो आपका प्लांट का सबसे बड़ा, क्या बोले यहाँ से, सबसे बड़ा अगर पूछे आपसे, ठीक है, संघ कौन सा है तो बताओगे ऐसे टेरिडोफाइटा, कौन सा बताओगे, सॉरी ब्रायोफाइटा, कौन सा बताओगे ऐसे आपका, यहाँ से आपका, ठीक है, थेलोफाइटा, कौन सा बता दीजिएगा आपका, थेलोफाइटा। सेम क्वेश्चन यही अगर आप यहाँ पे जाए कि सबसे पुराना, ठीक है, कौन सा बताओगे, सबसे पुराना अगर किस संघ पूछे तो क्या बताओगे, ऐसे ब्रायोफाइटा। क्लियर हो गया कितने से। अब बात करूं मैं यहाँ से ये कैसे क्या लिखते हैं तो देखिएगा, जो आपका थेलोफाइटा होता है, ठीक है, यहाँ से इसमें आप कोई जो आपके जो पत्ती है, क्या तना हो गया, जड़ हो गया, इसको पहचाना नहीं जा सकता, नहीं पहचाना जा सकता। क्लियर है, तो ये देखो यहाँ से अगर मैं डायग्राम में बात करूँ तो ये पहचाना नहीं जा सकता कि भाई इसमें पत्ती कौन सी है, ठीक है, तना कौन सा, ये कोई भी चीज समझ में अपन को नहीं आ रहा। क्लियर बात इतनी। सेकंड इसको बोलते क्या बताओगे ऐसा थेलोफाइटा। अगर सेम बात करूँ कि ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा भी सेम यही होता है, ठीक है, कैसा होता है, सेम का सही, नहीं इसमें पत्ती पहचाना जा सकता, नहीं तना, नहीं तो जड़ नहीं पहचाना सके। लेकिन ये रहता आपका याद रखना, उभयचर मतलब तो पानी में भी रह सकता है और कहाँ रह सकता है, आपका जमीन में भी रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये देखिएगा, इसमें भी आप अगर देख रहे होंगे तो आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये आप इसमें भी पत्ती अपना जड़ा हो, जड़ा तना आप नहीं पहचाना जा सकता। उसके बाद बात करूँ यहाँ से, ये होगा अपना कौन सा, ब्रायोफाइटा। अब बात करूं मैं ऐसे आपका, ठीक है, कौन सा फाइटा, किसकी बात करूं ऐसे आपका, टेरिडोफाइटा। तो जो टेरिडो जो फाइटा होता है आपका ऐसे ये, ठीक है, तो इसमें जो रहता है आपका जड़ तना पत्ती वगैरह पहचाना जा सकता है, इसमें जाइलम फ्लोएम भी होता है यहाँ से आपका, किसमें बताओगे यहाँ से आपका, टेरिडोफाइटा में। तो ये हो गया कि आपने ऐसे तीनों प्रकार बता दिए मैंने यहाँ से आपको, तो भैया कौन कौन से होते हैं आपके क्रिप्टोगैमस में, एक बता आपको ऐसे थेलोफाइटा, ठीक है, उसके बाद बता ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद क्या बता दिया आपको यहाँ से आपका, ठीक है, टेरिडोफाइटा, कौन सा बताया यहाँ से आपका, टेरिडोफाइटा, हो गया अपने तीन। अब सेम बात करूँ इसी के विपरीत कि जो आपको फ्रेंड कितने प्रकार के होते, दो प्रकार के, एक होता है आपका अनावृत बीजी, कैसा होता है आपका अनावृत बीजी, मतलब जिनपे आपका जो फल होता है, ठीक है, जो बीज होता है उसमें कोई कवर नहीं होता है। और इसी के विपरीत बात करो से आवृत बीजी, मतलब कि जो बीज के लिए क्या होता है आपका, आवरण होता है, क्या होता है आपका, आवरण, उसको क्या बोलते हैं आपका, आवृत बीजी। अब बात करो इसी में आपके यहाँ से जो अनावृत बीज होते हैं उसको दो प्रकार से बांटते हैं, कितने प्रकार से, दो। पहला बताओगे ऐसे मोनोकाइट, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं आपका ऐसे डाइकाइट, ठीक है, एक मोनोकाइट और एक क्या डाइकाइट। अब यहाँ पे मोनोकाइट को हिंदी में बोलते हैं एक बीजी पत्री, मतलब जिसका सिर्फ आपके एक ही फल रहता है, ठीक है, कैसा रहेगा आपका, एक ही, जैसे गेहूं का कैसा रहता है, एक, ठीक है। और इसके बाद वालों डाइकाइट में बोलते द्विबीज, जैसे जिससे दाल वगैरह जो बन जाए उसके बाद उसको बोलते हैं द्विबीज पत्री। क्लियर, तो ये हो गया यहाँ से अपना। अब देखो ये होगा अपने यहाँ से फेनोगा। अब बात करूँ यहाँ से आपकी, एक चालू करता हूँ थेलोफाइटा और इसका एग्जाम्पल सहवाल, और क्या देखते हैं अपन यहाँ से कवर। तो पहले नंबर पे क्या देखे अपन यहाँ से आपका सहवाल, क्या देखे यहाँ से सहवाल। अब सहवाल की बात करूँ तो सहवाल जो